उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान मौके पर जमकर बवाल हुआ और देखते ही देखते घटनास्थल जंग के मैदान में तब्दील हो गया। इस दौरान एक पक्ष की तरफ से जमकर पथराव हुआ, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। दरअसल मेरठ के देहात क्षेत्र के फलावदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में सचिन की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान सचिन की बारात जानी थी, जिसको लेकर घर में खुशी का माहौल चल रहा था और लोग डीजे के गानों पर थिरक रहे थे। इस दौरान डीजे बजाए जाने को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया, जिस पर देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बात बिगड़ गई और दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए। इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों से जमकर मारपीट की, साथ ही साथ जमकर पथराव किया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और हर कोई पथराव से बचकर इधर उधर भागने लगा। वहीं इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। क्या फैला रही? इतना बना वीडियो, इतना बना वीडियो, मुझे देखा तो फैला रही है। बना बना वीडियो बना फलान में फलान में। दे दे थाना फलावदा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। क्या वीडियो भी बनाए गए थे? संज्ञान में कि वीडियो बनाए गए थे, कितने लोगों पर मुकदमा हुआ है, कितनी की अरेस्ट? ये अभी इसमें इन्होंने जो तहरीर दी है उसके आधार पर 18 लोगों को के खिलाफ इन्होंने नामजद तहरीर दी है, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन कोई वीडियो बनाया जाना संज्ञान में नहीं आया है। ये था कि डीजे को बजाने को लेकर के इनमें विवाद शुरू हुआ और उसी वाद विवाद में मारपीट और पथराव की घटना हुई। अभी इसमें अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही अरेस्ट की कार्रवाई कर ली।